अमीर खुसरो का जीवन परिचय। अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। इनका जन्म की तारीख 19 मई 1253 पटियाले में हुआ था। इनकी मृत्यु की जगह और तारीख अक्टूबर 1325 दिल्ली भारत में हुआ था। इनके माता हजरत बीबी दौलत नाज और पिता आमिर सैफुद्दीन मोहम्मद था। 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। उनका परिवार कई पीढ़ियों से राज दरबार से संबंधित था। स्वयं अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी और फारसी में एक साथ लिखा। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। वे अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले उन्हीं ने अपनी भाषा के लिए हिंदी का उल्लेख किया था। वे फारसी के कवि भी थे। उनको दिल्ली सल्तनत का आश्रय मिला हुआ था। उनके ग्रंथों की सूची लंबी है, साथ ही इनका इतिहास स्रोत रूप में महत्व है। अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया था। अमीर खुसरो तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र थे। खुसरो की मां बलबन के युद्धमंत्री इमादुतुल मुल्क की पुत्री तथा एक भारतीय मुसलमान महिला थी। 1-3 से 14 साल की उम्र में वे अमीरों के घर में शायरी पढ़ने लगे थे। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली नाम के कस्बे में हुआ था। वे सूफी गायक और भारतीय विद्वान भी थे। वो एक एक रहस्यवादी निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। खुसरो को भारत की आवाज या भारत का तोता के रूप में भी जाना गया और उन्हें उर्दू साहित्य का पिता भी कहा जाता है। अमीर खुसरो ने कई रचना की है। खालिक बारी, खुसरो की पहेलियां, मुकरिया, श्रृंगारी, दो सुखने, गजल, ख्याल, कव्वाली, रुबाई, तोहफा, तुस्सेगा, बाकिया, नाकिया, तुगलकनामा, नूह सिफिर आदि।